जंगलों में हथियार के साथ शराब बरामद, साथ में दो युवक चढ़े पुलिस के हत्थे। रिपोर्ट सहरसा, संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां भारी मात्रा में शराब हथियार के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सर्किल इंस्पेक्टर राजमणि को गुप्त सूचना मिली कि भारी मात्रा में शराब की खेप पस्तपार शिविर के रास्ते ले जाई जा रही है। इसी सूचना पर शिविर पस्तपार प्रभारी मनीष कुमार ने देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी अभियान में XUV 500 मॉडल महिंद्रा कार, सुमो गोल्ड चक्का वाहन के साथ 47 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक देसी पिटल, 3 जिंदा कारतूस के साथ 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पूरी जानकारी मुख्यालय DSP एजाज मनी हाफिज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पूरा मामला ये है कि मध्य रात्रि को ये सूचना मिली, मध्य रात्रि के आसपास LTF प्रभारी हमारे पुलिस निरीक्षक राजमणि जी हैं, उनको ये सूचना मिली कि नौगछिया के रास्ते से हमारे पस्तोपार शिविर होते हुए दो गाड़ी जो है जिस पर कि शराब लदा हुआ है वो गुजरने वाला है। सूचना मिलने के बाद इन्होंने संपर्क किया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से और उच्च अधिकारियों से, मैडम से संपर्क किया गया, SP मैडम से, और फिर कार्ययोजना तुरंत बनाई गई। कार्ययोजना बनाने के बाद ये अपनी टीम को लेकर के इसकी सूचना फिर उन्होंने जो संबंधित पस्तपार पुलिस शिविर के प्रभारी मनीष कुमार जी को दी कि कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं अवैध कार्यों की। फिर ये लोग अपनी टीम के साथ, राजमणि जी, टेक्निकल सेल की टीम और कुछ इनके जो पुलिस के कर्मी हैं उनके साथ ये लोग वहाँ पस्तपार शिविर पहुँचे, और उन्होंने पस्तपार शिविर पहुँचने के बाद वहाँ पर रात में 2 बजे रात के बाद से वाहनों की जांच और खोजबीन करना शुरू किया। इसी क्रम में करीब पस्तपार शिविर के करीब 1 किलोमीटर दक्षिण जिरवा नहर पर के पास 2 चार चक्का वाहन जो तेजी से ग्वालपाड़ा की ओर से आते हुए देखा, उसे रुकवाया गया, तलाशी ली गई। तो तलाशी के क्रम में जो इनके साथ पाया गया वो करीब 47 कार्टून विदेशी शराब, जिसमें कुल 1187 बोतल हैं, इसकी कुल मात्रा 429.12 लीटर है, जिस पर अंकित है यूज इन ओनली चंडीगढ़, ये मिला। इसके अतिरिक्त जो है आर्म्स की भी बरामदगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, 7.65 का एक मैगजीन, 7.65 mm का 3 जीवित कारतूस। जो व्हीकल बरामद हुई है वो XUV 500 महिंद्रा कार है और एक सुमो गोल्ड गाड़ी है। इसके अतिरिक्त उस वाहन से इंडियन बैंक मधेपुरा का एक चेकबुक और एक पासबुक जिस पर खाता संख्या अंकित किया हुआ है वो मिला, साथ में एक डेबिट कार्ड मिला, और इन लोगों के पास से, गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से 5 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। बहुत से ऐसे चीज़ें बरामद हुई है जिसके आधार पर जो है अनुसंधान में काफ़ी आगे तक मामला का पता चलेगा, और उम्मीद करते हैं कि शराब कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त होगी। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिनके एक राकेश कुमार है जो बनमंखी जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।